इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरी मां को आठो सखियां कर में जय की माला देकर लेकर मंगल गान गाते हुए उपस्थित हुई स्वयंवर स्थल पर। पूज्यपाद गोस्वामी जी ढूंढ रहे हैं कि मेरी मैया सियाजू कैसी हैं, कितनी सुंदर हैं। अर्थ देखिए बाबा का, सियबर नियते उपमा देई को कवि कहावे अजस को ले, चौपट तरिय सीय समती जग असी जुवती काम, गिरा मुखर अरध भवा। यदि सरस्वती जी जैसी कहूं तो सरस्वती जी वाणी की तेज हैं। एकर मतलब समझत है, सौंदर्य ये है कि स्त्री को कम बोलना चाहिए और बोले के परे तो मधुर बोलना चाहिए, आग लगावन नहीं बोलना चाहिए। गिरा मुखर, सरस्वती जी तीक्ष्ण बोलती हैं। तन अर्ध भवानी, माँ भगवती पार्वती जी जैसी कहूं तो उनका तो मुख आधा है, आधा भोले बाबा का आधा उड़का है। रति अति दुखित अतनु रति जैसा कहूं तो रति जी के तो देवते ही नहीं है तो उनके कारण बहुत दुखी रहती है। अब लक्ष्मी जी जैसी, उनका भाई तो विष है, चंद्रमा का सार लें तो वो कलंकी है। गोस्वामी जी ढूंढने लगे लेकिन मेरी मां के सौंदर्य के समान कोई सौंदर्य धरा पर मिला नहीं, तो बाबा ने हमारे नई सृजी को प्रकट किया। तब भी देखिए क्या कहते हैं, जो छब सुधा पयो निधि हो, छबी रूपी अमृत का समुद्र हो, उसके अंतस्थल में परम रूप में कच्छपु सोई। परम रूप के सार तत्व रूपी कछुआ उसके अंतस्थल में बैठा हो, शोभा की रस्सी उसमें लपेट दी जाए। शोभा रजो किसमें, मंदर श्रृंगार, श्रृंगार के मंदराचल में शोभा की रस्सी लपेट कर छवि रूपी समुद्र का मंथन हो, परम रूप में कछुआ के पृष्ठ भाग पर रख कर। कौन मथे, मथे पंकज निज कामदेव अपने सुकोमल कर से उसका मंथन करे, तब एही बीज उपजे लक्ष्मी जब सुंदरता समेत कभी। इस प्रकार छवि रूपी अमृत के दिव्य समुद्र का मंथन हो, श्रृंगार के मंदराचल को परम रूप में कच्छप के पृष्ठ भाग पर पधराकर शोभा की रस्सी डालकर कामदेव के कर से, तब जब लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष होगी
तब भी कभी लोगों के कहने में संकोच आएगा कि वो श्री जी मेरी माँ के जैसी हैं। तदपि सकोच समेत ये सौंदर्य है माँ का, अद्भुत सौंदर्य। मेरी माँ इतनी सुंदर है, अतिशय प्रिय, करुणा निधान की छाके जुगपद कमल मनाओ, तासु कृपा निर्मल मति पावन। बाबा ने यहाँ पंक्ति लिखी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख मोहे स्वयंवर स्थल पर जब मेरी माँ ने पग रखा तो जितने लोग वहां विराजमान थे माँ के दिव्य स्वरूप का दर्शन के सब मोहित हो गए। और जब हम मोहित हो जाते हैं तो हमारी गति बाधित हो जाती है। मोह से बधा व्यक्ति गति में नहीं आ पाता, स्तंभित हो जाता है, स्तंभन हो जाता है, उठ भी नहीं पाता है। जगजननी मेरी मां सीता मैया ने सबको देख रूप मोहे नरना। महाराज जनक ने शतानंद जी से निवेदन किया, महाराज बंदी जनों को आज्ञा हो हमारी प्रतिज्ञा सुनाएं। कथा में कई प्रकार है, ध्यान रखिएगा। मेरी माँ ने एक दिन किसी राज व्यवहार में संलग्न थे श्री जनक राज महाराज विदेहराज, तो बामकर से पिनाक को उठाकर उसके नीचे लेपन कर दिया था। जब पूजन करने पिताजी आए तो उन्होंने देखा तो जाकर के पूजनोपरांत माँ से पूछते हैं, देवी महारानी आज पिनाक के बाहर अंदर किसने निर्मलता प्रदान की, हमारे पूजन की सामग्री कौन लगाया। महारानी जी को लगा, स्याजू को बोला तो कोई बोली थी कोई अपराध तो नहीं कर दी, पूछ बैठी। नहीं नहीं, आज जैसी निर्मलता जब से मैं पूजन कर रहा हूं कभी हमने पाई नहीं। जानकी अम्बा बुलाई गई, मां सुनैना जी ने पूछना प्रारंभ किया, बेटी आपने धनुष के साथ कैसे निर्मलता बनाई। बेटी तो बेटी हो, मां मैंने देखा नीचे बहुत सारी धूल जमी थी तो मैंने बाम हाथ से उसको उठा लिया और दाहिने से उसको निर्मल कर दिया। अरे क्या, भगवान शिव का पिनाक हमारे कोई पूर्वज नहीं उठा पाए, उसको हमारी पुत्री जानकी ने उठा लिया। महात्मा महाराज जनक ने मैया को कंठ लगा लिया, आत्यंतिक प्रसन्नता में गुरुदेव भगवान याज्ञवल्क जी से इस पर मंत्रणा की। महाराज हमारी पुत्री जानकी जी ने ऐसा ऐसा व्यवहार किया। याज्ञवल्क जी महाराज भी त्रिकाल लग गए थे, उन्होंने नेत्र बंद किया और कहा, महाराज आपकी पुत्री जगत की जीव पुत्री नहीं है, ये आदि शक्ति है। आज आप संकल्प लीजिए कि भगवान शिव के इस दिव्य पिनाक की जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से हम स्याजु का विवाह संपन्न करेंगे। पिता जनक ने गुरु आज्ञा से यह संकल्प ले लिया,
धनुष की प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा, प्रत्यंचा कहते हैं उस डोरी को, उसको चढ़ाने के लिए धनुष को झुकाना पड़ता है। मेरी बेटी ने धनुष को उठाया है, अब जो इससे अधिक तेजवान होगा, बलवान होगा, पुरुषी होगा, वो उसको झुकाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा। ये महाराज की संकल्पना प्रतिज्ञा थी। परंतु बंदी जन तो बंदी है साहब, बंदी जनों को लगा कहीं हमने प्रत्यंचा झुकाने के लिए प्रतिज्ञा में बोल दिया तो और कोई झुका लिया तो बंदी जन एक कदम और बढ़ गए। बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिमा, पन विदेह कर कहाई हम एक स्वर में वंदी जन दो हैं, एक साथ कहते हैं, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है और ये बाबा शिव का पिनाक राहु है। इस संपूर्ण राज समाज में बाबा के स्तिभ पिनाक को जो तोड़ेगा, राज समाज आज जोई उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी। और हमारे महाराज की लाडली श्री जानकी जो बिना विचारे उनका वरण कर लेंगी। इतना सुनना था, सारे राजा एक साथ खड़े हो गए, लगा सब दौड़ पड़ेंगे धनुष के मंजूषा के पास। सदानंद जी महाराज ने शांत कराया, एक एक करके जाइए और देखिए किसके बल में वो भाव है, वह तेज है, किसके बदन में वो शक्ति है जो इस धनुष का स्पर्श करके उसको हिला तक सकता, उठा तक सकता। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात। सारे राजा लोग एक एक करके गए, धनुष को उठाना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। लेकिन बाबा ने लिखा, जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप मही पन विचार क्या है, हम भूपति हैं। महाराज की लाडली श्री जानकी जी भूमि जाए इस नाते हमारा पुत्री संबंध हुआ, जाते नहीं वो तो, हम तो उत्सव में दर्शन करके आशीर्वाद देंगे। बाब की सिद्धि है। और राजा लोग अभिमानी राजा, तमक धर ही धन मूढ़ नृप उठिए न चल ही मन पाय बल अधिक अधिक। यहाँ एक पंक्त लिखी है, भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन डरई नटा। कुछ लोग के लिए पंक्तियां विनोद हैं। धनुष की एक विशेष कोटि थी, आप कभी जाएं जनकपुर, उसके 20 किलोमीटर आगे धनुखा धाम है जहां एक खंड धनुष का आज भी है, उस पर तुलसी जी का बिरवा उत्पन्न होता है। जितने लोग स्पर्श करें उसको उतना ही वो लंबाई पकड़ लेता था, जैसा जो वीर होता उतनी गरुता बढ़ जाती थी। भगवान शिव की आराधना करने वाले जो भागवत लोग होते उनके स्पर्श करते धनुष हल्का हो जाता, उसकी एक क्षमता थी।
कितना विस्तार हो सकता है, धनुष उतना विस्तृत हो जाता था, कितना सूक्ष्म हो सकता उतना सूक्ष्म हो जाता था। और मान के चलिए आप भगवान श्री सीताराम जी के पावन मिलन के उत्सव में धनुष केंद्र में आ गए, इसलिए भूप सहस दस एक ही 10,000 राजा लोग मिलकर एक साथ उठाने लगे, लेकिन धनुष लगे उठावन क्यों? अरे देखो भैया, सब काम सबके लिए नहीं है और सबके लिए सब काम नहीं है। सब काम सबके लिए नहीं है, सबके लिए सब काम नहीं है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।